अमरावती की घटनाएं जैसे ही सामने आई, हमने देखा कि बाढ़ सी आ गई, धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी रहा। एक खबर इस वक्त हम आपको बताते हैं, क्योंकि एक और व्यक्ति को धमकी दी गई है। और उदयपुर की घटना के बाद लोनी में भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री देवेंद्र ढाका को स्पीड पोस्ट से पत्र भेजकर कत्ल करने की धमकी दी गई है। वो स्पीड पोस्ट हम आपको दिखा भी रहे हैं। पत्र में लिखा है कि तू मरने के लिए तैयार हो जा। पत्र पर भेजने वाले का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज है। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने सदर पठान नाम के व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जब हम देख रहे हैं कि भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री देवेंद्र ढाका को अब स्पीड पोस्ट के जरिए कत्ल करने की धमकी मिली है। लेकिन पुलिस ने एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है, साथ ही साथ अभी पूछताछ जारी है। लेकिन खबर JK247 न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जब ये कानपुर दंगे हुए थे तो उस टाइम मैंने एक पोस्ट किया था अपने मोबाइल से। वो पोस्ट ये था कि सुअरों से होशियार रहना चाहिए, खासकर तब जब ये झुंड में हो। अब उस पोस्ट के बाद कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि प्रदेश में माहौल खराब है, वो पोस्ट मैंने फिर डिलीट कर दिया था। पर उस पोस्ट की किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस प्रशासन को भेज दिया था। पुलिस प्रशासन में उस पर संज्ञान लेते हुए मुझे धारा 41 का एक नोटिस दिया था और हमने शपथ ली थी भाई आगे से अब ऐसा कोई पोस्ट नहीं करेंगे। अब कल शाम को 6 बजे मैं यहीं शोरूम पे था, पोस्टमैन एक स्पीड पोस्ट लाया था। मैंने सोचा इसमें हमारे जो फर्म के चेक होते हैं जो बाउंस हो जाते हैं उनको बैंक स्पीड पोस्ट भेजता है, तो मैं उत्सुकता में गया यार पता नहीं किसका चेक बाउंस हुआ है, अब उसके पास जाना पड़ेगा, तगादा करना पड़ेगा। पर मैंने खोला, इसको पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, तो मुझे इसकी गंभीरता की इस पत्र की गंभीरता महसूस हुई कि ये पत्र जो है एक जलती आग है और इसकी सूचना हमें पुलिस को देनी चाहिए। फिर उदयपुर का जो हत्याकांड हुआ है कन्हैया लाल वाला, उसकी तर्ज पर मेरा कत्ल करने की मुझे धमकी दी थी और उस पत्र में लिखा था तू बहुत मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट करता है, बोलता है और अब तेरा मुंह सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा और तेरा निपटारा करने का, तू बहुत मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट करता है, बोलता है और अब तेरा मुंह सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा और तेरा निपटारा करने में हो सकता है कि हम शहादत को प्राप्त हो जाएं या हम गिरफ्तार हो जाएं, पर हमें इसकी कोई परवाह नहीं है और तेरे खिलाफ हमने जामिया में एक बड़ा ग्रुप बना रखा है। फिलहाल ऐसी धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद एक पत्र भी सामने आया स्पीड पोस्ट, जिसके बाद इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।